अनिल जी, स्वागत है आपका। भाई, इस बजट में तो सबके लिए सब कुछ किया गया है जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो अगर बिहार को और आंध्र प्रदेश को ज्यादा पैसा दे दिया गया तो आपको दर्द किस बात का है? देखिए ब्रजेश जी, हमको दर्द बिल्कुल नहीं है। आप बिहार को ज़्यादा पैसा दें, आप आंध्र प्रदेश को ज़्यादा पैसा दें, लेकिन उसके लिए तो हम सरकार को बधाई दे सकते हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि भाई बिहार की जनता की तरफ से आपको बधाई, आंध्र प्रदेश की जनता की तरफ से बधाई। तो ये देश का बजट है, भारत का बजट है, या केवल बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट है? हम तो ये जानना चाह रहे थे कि जब हम चुनाव के दौरान थे ब्रजेश जी, तो वोटिंग से पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने 100 दिन का प्लान हमारी सरकार ने तय कर लिया है। वो प्लान कहाँ दिख रहा है? वो प्लान कहीं नजर आ रहा है बजट में? एक दूसरी बात क्या है कि आप उत्तर प्रदेश से नाराज हो गए। मोदी जी 1.5 लाख से जीत पाए और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग जीत करके चले गए, बीजेपी हार गई, तो आप उत्तर प्रदेश के लोगों से बदला ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आप हीन भावना से देख रहे हैं बजट में, जबकि उत्तर प्रदेश से ही माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश से ही माननीय प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को आपने क्या दिया? और क्या है ब्रजेश जी, इन लोगों की चतुराई देखिए, बहुत होशियारी के साथ इनसे जब आप बात करेंगे तो ये कहेंगे कि ये राष्ट्र का बजट है, ये सशक्त भारत का बजट है, विकसित ये भारत भारत का। को तरक्की की तरफ ले जाने का बजट है। लेकिन हमारा एक सवाल है ब्रजेश जी कि आज ही देश का बजट आता है और आज ही देश का रुपया गिर जाता है। और मैं एक बात कहूंगा, केवल अभी आप कह रहे थे ना कि विपक्ष फूफा हो जाता है, आप कितना अच्छा बजट ले आइए और वो नाराज ही रहता है। अब की फूफा विपक्ष की तरफ नहीं है, अब की जिन दो फूफाओं के लिए ये बजट आया है वो फूफा खुश हैं। और आप समझ रहे हैं इन भाजपा के फूफा कौन कौन है? एक बिहार में है और एक अरे आंध्र दे तो प्रदेश में दिया है। इतना फूफाओं को, अब तो क्या ये दे दें? बजट इस हम बजट लोग तो में अपने किसान राज्य के लिए कहाँ है? कुछ थे कि कुछ मिले? नहीं, इस बजट में किसान कहाँ है? इस बजट में किसान नहीं, बेरोजगार नौजवान नहीं, वही रटा रटाया बजट तो है। शायद हम आपको एक पता बात और नहीं, कह रहे हैं, किसानों की बीजेपी आमदनी जो तो डबल बड़े हो चुकी उससे कह है, रहे हैं माननीय आपको शायद पता नहीं है। हाँ, अब ठीक बात है, हो सकता है हम लोग पिछड़े लोग हैं तो पिछड़ेपन से अरे देखते नहीं, हो, आई रिस्पेक्ट, आप बीजेपी कैसी बात अगड़े लोगों की पार्टी है तो अगड़े रूप से देखती अरे होगी। हम केवल एक बात कह रहे हैं, जी आप नौकरी के नाम पर 1 साल की नौकरी, 2 साल की नौकरी, 4 साल के अग्निवीर लेकर के आएंगे, आप फिर कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। तो ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी यही आरोप लगातार बीजेपी के सामने कहते हैं कि जी बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। आप प्राइवेट थैंक यू नौकरी सुनील जी, देकर के शुक्रिया। आरक्षण खत्म कर दिए, वही बात जो 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 अनुप्रिया पटेल जी ने पूछी, बाद में योगी जी की सरकार से, योगी जी के विभाग से केशव प्रसाद मौर्य ने पूछी, वही मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूछ रहा हूं कि क्या प्राइवेट नौकरी में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देगी पिछड़े दलित आदिवासियों को कि नहीं? थैंक यू सुनील जी, शुक्रिया। डिबेट